नमस्कार, स्वागत है आपका अजना न्यूज लाइव में। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपनी बीमारी और आधी सजा काटने के आधार पर जमानत की मांग की थी, लेकिन अभी उन्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा क्योंकि अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए कि लालू यादव चारा घोटाला के मामले में 23 दिसंबर 2017 से रांची सेंट्रल जेल में बंद हैं और इसी के साथ इस वक्त रांची के रिम्स में अपना इलाज करा रहे हैं। इलाज इसलिए करा रहे हैं क्योंकि लालू यादव डायबिटीज के पेशेंट हैं और डॉक्टर्स ने उन्हें दिन में एक आम खाने की सलाह दी थी, लेकिन आम के शौकीन लालू यादव को किसी की बात सुननी कहाँ थी। उन्होंने एक दिन में 2 से 3 मालदा आम खाए जिसके कारण उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया और इस वक्त वो उसका इलाज करा रहे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि जब लालू यादव ने अपनी जमानत के लिए याचिका दायर की है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने याचिका दायर की थी और उस वक्त भी अपनी बीमारी का हवाला ही दिया था। आज झारखंड हाईकोर्ट में लालू यादव की जमानत पर सुनवाई हुई, लेकिन जहाँ एक तरफ सीबीआई ने अपना पक्ष रखा तो दूसरी तरफ लालू यादव की तरफ से जवाब देने के लिए समय मांगा गया। वहीं राबड़ी देवी का कहना है कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और लालू यादव को जल्द ही जमानत मिल जाएगी। वहीं इसी के साथ राबड़ी देवी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सुशील मोदी सबको फंसाते हैं, जो भी उनके खिलाफ बोलता है वो उसके खिलाफ या तो केस कर देते हैं या फिर उसके पीछे इनकम टैक्स और सीबीआई को लगा देते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि लालू यादव को जमानत मिलती है या नहीं। बाकी खबरों के लिए देखते रहे अजना न्यूज लाइव।